students, hope you all will be fine. Open your book and page number 18. Students, हमें numerical problem start किए हैं. आज हमें numerical problem करना है 10.3. पेज नंबर 18 पे है 10.3 आपका numerical problem. Find the time period of the simple pendulum. आपने simple pendulum का क्या find out करना है? Time period find out करना है. उसकी length कितनी दी हुई है? 1 meter दी हुई है. Place on earth and moon. अब आपका ये जो टाइम जो पेंडुलम है वो कहाँ पे रखा हुआ है? अर्थ पे भी रखा हुआ है और कहाँ पे रखा है? मून पे भी रखा हुआ है. उन्होंने क्या कैलकुलेट करना है? हमने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6. यानी कि जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1/6 दी हुई है. ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर इज जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हमारे पास पेंडुलम की क्या दी है? लेंथ दी है. कितनी दी हुई है? 1 मीटर दी हुई है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. टाइम पीरियड हमने इसका अर्थ पे भी कैलकुलेट करना है और मून पे भी कैलकुलेट करना है. और जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और जी की वैल्यू मून पे क्या होगी? जी ओवर 6. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड ऑन पर सेकंड स्क्वायर. इसी तरह मीटर मीटर से